रणधीर त्यागी डीसी ऑफिस अम्बाला में 24 साल जॉब करने के बाद रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से जी रहा था। पिछले कुछ महीनों से क्या है, मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला नज़र आने लगा दोनों आँखों से, तो मैंने इतना सीरियसली उसको नहीं लिया। फिर एकदम से ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा धुंधलापन होने के कारण मुझे व्हीकल चलाने में, सीढ़ियाँ नीचे उतरने में दिक्कत महसूस होने लगी, और मैं अपने घर तक, अपने बेडरूम तक सीमित हो गया, क्योंकि अपने आप को लाचार सा महसूस करने लगा जब मुझे आँखों से बहुत ज़्यादा धुंधला दिखने लगा। तो मैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में था, तो मैंने अपने हरियाणा गवर्नमेंट की पैनल पे हॉस्पिटल्स को देखा, जो जबकि मैं कपिल जी को तो बहुत पहले से जानता था, कपिल हॉस्पिटल को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारे पैनल पे ये है। पैनल पे ढूंढने के बाद मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ पे मैडम हैं, एक क्या नाम है उनका, सिंह लगाते हैं मैडम, पूजा सिंह, उनके पास आया, उन्होंने प्रॉपर तरीके से गाइड किया, डॉक्टर पे गया, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे अटेंड किया, मुझे समझाया कि आपके लिए ये फैसिलिटीज़ हैं, ये लेंसेज हैं, सारी डिटेल्स मुझे बताई। उसके बाद मैं 18 मार्च को मैंने कपिल आई हॉस्पिटल अम्बाला सिटी में अपना ऑपरेशन कराया। नीचे से लेके सबऑर्डिनेट स्टाफ से लेके डॉक्टर तक सब लोग इतने कोऑपरेटिव, इतने कर्टियस, अपनापन उनकी बातों में, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों को अटेंड किया, और मेरा ऑपरेशन रहा बड़ा सक्सेसफुल रहा, और अब मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और क्योंकि दोनों आँखों का एक साथ ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो मैंने राइट आई का अपनी का ऑपरेशन करवा लिया है, और लेफ़्ट आई का मेरा ड्यू है, उसमें जो है दोनों ऑपरेशंस के बीच में थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ठहर के और दूसरी आँख का ऑपरेशन भी कपिल आई हॉस्पिटल माला से ही करवाना चाहूँगा। मेरा ऑपरेशन होने के बाद मुझे सब कुछ नॉर्मल सा महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी फिर से दोबारा से अच्छे से शुरू हो गई है। नहीं तो एक बार मैं बिना रोशनी के, आँखों से धुंधलापन होने के कारण, अपने अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे ओमेक्स अपार्टमेंट्स हैं जहाँ मैं रहता हूँ, मैं अपने थर्ड फ्लोर के, फोर्थ फ्लोर के अपार्टमेंट से नीचे भी नहीं आ पाता था। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अस्पताल की सेवाओं से, उनके स्टाफ के व्यवहार से, और जो सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत बहुत थैंक यू।